क्या नाम है? शमी मामा, कहाँ से है? आजमगढ़ से। क्या परेशानी है? दोनों कुल्ले में दर्द रहते हैं अच्छा, कितने टाइम से है? लगभग 4 साल से। अच्छा, कहाँ कहाँ दिखाया? आजमगढ़ 2-3 हॉस्पिटलों, फिर गोरखपुर, बनारस, फिर लखनऊ, उसके बाद एम्स दिल्ली। अच्छा, चल के बताइए क्या परेशानी है, दिखाइए। दोनों कूल्हे में परेशानी है 4 साल से। अच्छा, क्या इलाज बताया डॉक्टर ने? उन्होंने एकमात्र ऑपरेशन की बात कहा, दोनों कूल्हे का। दोनों का। आज तारीख क्या है? आज 23 तारीख है, 23 जून 2019। 19 जी। आज यहाँ आप इलाज कराने आए हैं जी। क्या नाम है? सैयद अहमद, कहाँ से हैं? आजमगढ़। आपको क्या परेशानी थी? दोनों कुल्ले खराब। अच्छा, तो पहले जो पैर उठ नहीं पा रहा था आपका, वो अभी कैसा उठ रहा है दिखाइए जरा एक बार। पूरा पैर उठा के दिखाइए। अब पूरा उठ रहा है? पहले कितना उठ रहा था? इतना था पहले? अच्छा, अभी पूरा उठ रहा है। ठीक है, कितने दिन में ऐसा हुआ? आज 7वें दिन है। 7वें दिन में पूरा पैर उठ रहा है। ठीक। अभी कैसा लग रहा है? ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है बहुत जी। पहले से रिकवर है जी। आज इलाज से कौन सा दिन है? आज 10वां दिन। थैंक यू। ये शमीम जी हैं, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस कूल्हे खराबी की बीमारी से ग्रसित थे पिछले काफ़ी समय से। तो शमीम जी बताइए, कैसे यहाँ तक आना हुआ और क्या पहले आपको बताया गया, बताइए। पहले एम्स में गया था जी, वहाँ पर उन्होंने मुझको ऑपरेशन के लिए बताया। ऑपरेशन दोनों कूल्हे का? दोनों कूल्हे का। दोनों कूल्हे का खर्च जो है 4.5 लाख। 4.5 लाख बताया। ठीक है। उसके बाद मैं अपने रूम पे आया तो फेसबुक पे मैंने आपका नाम देखा जी, उसके जरिए फिर मैंने आपसे बात किया। हाँ। और फिर उसके बाद जी जो है वहाँ से 1 महीने के बाद, क्योंकि रोजे चल रहे थे जी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। फिर ईद बाद में आपके पास गया। यहाँ पे कितने दिन इलाज चला आपका? 10 रोज। 10 दिन मतलब इलाज आपका हुआ। 10 दिन में हमने कोई ऑपरेशन किया आपका? नहीं। कोई भी इंजेक्शन लगाया या कोई भी दर्द की दवाइयाँ दी आपको? नहीं। और 10 दिन में कैसा इम्प्रूवमेंट है अभी आपका, वो बताइए। पहले से बेटर लगा? चलने में मुझको वो जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं 2 कदम भी चलता था तो मेरे दर्द जो है रेगुलर रहता था। अच्छा, कूल्हे में दर्द ज़्यादा? कूल्हे की परेशानी में जब आप आए थे तो स्टार्टिंग में कैसे, क्या कारण था कि ये बीमारी आपको हुई, कि एकदम से दर्द हुआ या चलने में तकलीफ हुई? चलने में ही मुझको तकलीफ शुरू हुई। चलने में तकलीफ शुरू हुई, उसके बाद से धीरे धीरे, उसके बाद जो धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। लगभग मैं गोरखपुर, बनारस, बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली, मैंने हर जगह जाकर के दिखाया। सब लोगों ने यहाँ इसका विकल्प ऑपरेशन किया। सभी जगह ऑपरेशन किया? ऑपरेशन किया। यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया जी। आप 10 दिन में अबाउट कितने परसेंट हम बोलें कि रिलीफ हो गया है अभी बिना ऑपरेशन के? बिना ऑपरेशन का मुझको कम से कम मुझको लगता है 50% रिलीफ हो गया। अच्छा, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे जो मरीज एवियन से, जो कूल्हे खराबी की बीमारी से परेशान है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि वो एक बार आए जी, बिल्कुल जा करके आपका ट्रीटमेंट लें, फायदा। तो अभी आपको मैंने दवाइयाँ दी हैं और आपको दवाइयाँ खानी हैं और एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, वो आपको करना है। उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट विजिट में मिलेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक, थैंक यू।